अभी जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी की हुई है वहाँ पे हम जाके आ रहे हैं। गाड़ी जहाँ पे हम रुके हुए उससे 1 किलोमीटर दूर है। वैसे तो हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फंसे फंसे हम सोच रहे हैं कि गांव को देख लेते हैं, अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। तो कई दिन से यहीं पर घूम रहे हैं और यहाँ के रास्ते देख रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। तो हाँ, खुद में लेके यहाँ पर क्या है कि गांव जो है ना, उनके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे झरने खूब सारे बहते ही रहते हैं। अगर आपको अपने घर से मार्केट जाना है ना, तो भी इसी तरह के झरने पार करके फिर जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल हो रहा है। ये गांव की गलियां हैं, ऐसे ही है रास्ते, और बहुत सुहाने लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा अब नहीं हुई, बारिश का मौसम ही ज्यादा है, बारिश कम हुई है। हिमाचल प्रदेश के हम लोग कांगड़ा जिले के अंदर धर्मशाला के नजदीक करेरी गांव के अंदर हैं, वहीं पर हैं। वैसे तो आप फंसे हुए कह सकते हो क्योंकि रोड ब्लॉक है, तो हमें यहीं रहना है अब कुछ दिन। कुछ भी बोलो यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के सुंदर सुंदर गांव, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ऐसे सुंदर सुंदर गांव देखने का, है ना। ये रास्ता अगर ब्लॉक नहीं होता तो हमें ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। गाय नहीं दिखी, खेतों में गई थी कहीं? नहीं नहीं, छोड़ के आते हैं ना घूमने के लिए, वो इस रास्ते से आती हैं। नहीं हमारे तो दूध है आपके गाय का? हाँ। क्या भाव है यहाँ पे दूध का? दूध होगा 40 रुपए। चलो ठीक है। आपको नहीं अभी तो है? हाँ भैया ने कहीं से लिया है, पता नहीं कहाँ से लिया। हम वहाँ पे एक घर है वहाँ पे रुके हुए, ये क्या काम है। वो अरेंज करते हैं। राम राम जी। खूब सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली सूखी सूखी ने। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। हेलो बच्चों, ये दूध निकालेंगे भैंस का। यहाँ पे थोड़ी सी पक्की पगडंडी आई है, ये सुंदर है बेटा, देख रही है। आजा बेटा भागे भागे। हाँ, अभी गांव में ऐसी पगडंडियां होती छोटी छोटी। ये ऐसे ही खुले खुले जगह है, तो यहाँ पर जो ज्वार ऐसे बो लेते हैं। बारिश आने की पूरी संभावना है, वो देखिए वहां से। हाँ बादल नीचे आ गया पूरा पूरा, ऐसे ऐसे पानी आ गया। तो अच्छा गाड़ी बह गई, गाड़ी बह गई, इसने भी मोबाइल में देखा था। उड़ गया फिर सामान गाड़ी उड़ गया। अच्छा सब चले गए, गाड़ी घर सामान। वो जो बादल फटा ना धर्मशाला, उसका थोड़ा सा इसने वीडियो देखा था। ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। हाँ। रोड पर आ गया बादल। सही है बेटा, अभी जोरदार माहौल हो रहा है यहाँ का। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, नहीं है कितना सुंदर लगे ये खेत ये गांव। मैं और सिया यहाँ रुकने के बाद आज पहली बार आई है। अब दोनों पहली बार, नहीं कैसा लग रहा है? अच्छा है। गाड़ी दिख गई बेटा? दिख गया सिया को। ओ यहाँ पर रोड पे गाड़ी खड़ी की हुई है।
ये दुकान आ गई कैमरा मेरे साथ ठीक हो हाँ वो दे दे स्नैक बिस्किट टोस्ट एक ये भी जेम्स ये जेम्स है बेटा बोल वाला जेम्स ये डेरी मिल्क और वार वाला होगी कौन सी चाहिए आप गांव में से टोटल कितनी दुकानें हैं ये पांच छह हैं बस दो चाहिए दो दो मुझे तीन है दो मुझे दे दो ठीक है ये तीन ले लीजिए ये बताओ भैया कितना और जल्दी एक ये लिए इसमें डाल दो अब गाड़ी खड़ी है यहाँ पे ना अभी तक नहीं खुली है रोड का खुल गई नहीं खुली अभी गाड़ी सिर्फ हमारी फंसी है बड़े लोगों की भी फंसी कम से कम 40 गाड़ी है फिर ठीक ये टेम्पो ट्रैवल है साथ में ये है इधर इधर लगी दो गाड़ी की फिर ठीक है टेंशन नहीं ज्यादा गाड़ियां चार गाड़ियां आगे हैं होटल है ना ऊपर उधर भी लगी हुई है अच्छा खुल जाएगी 5-7 दिन में कोई बात नहीं 130 रुपए हाँ जी ठीक है गाड़ी इस साइड से जल्दी खुल जाएगी चलो फटाफट चलते हैं बारिश आने वाली है बेटा टाइगर लड़का है हमारा ना कौन संजय नहीं संजय हाँ 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 आप आते जाते रहते हो ना आज भी आए आपको देखा आपका घर उससे भी आगे है हमारा तो यही है इधर मैं रिवर साइड गया था मुआयना करने ना अच्छा और आगे कैंप है सामने कैंप है साथ आप कैंप लगाते हैं नहीं नहीं वो मेरे चाचा के उसमें लैंड में है ना अच्छा अच्छा वहाँ भी स्लाइडिंग भी है उसको थोड़ा काम करने गए थे हम अच्छा बनाने गए थे तब आते जाते थे कभी खूब सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है तो रोड खुलेगी जल्दी यहाँ पर पर्यटक खूब आते हैं ये गाँव है क्या नाम है करेरी करेरी गाँव करीब 100 घर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर भी नहीं है और बहुत ही सुंदर गांव है यहाँ पर है ना ऊपर ट्रेकिंग व्रेकिंग करने कोई नहीं जाए सिर्फ इस गांव को विजिट करें ना तो भी बहुत शानदार गांव है लोग इस गांव को देखने के लिए भी आते हैं इस गांव के बिल्कुल पास में भी है वो पहाड़ियों पे ट्रेकिंग वो क्या बोल सॉरी कैंपिंग कैंप लगा रखे पास में बहुत सुंदर गाँव है ये बहुत ज़्यादा हाइट भी है गाँव की हालांकि यहाँ से वो क्या नाम लेते हैं नड्डी धर्मशाला का नड्डी नज़दीक में गाँव दूर पहाड़ी पर दिखता है ये यहाँ के पुराने मकान है देखिए दो दो मंजिला है इस तरह से बारिश आनी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी चलो चलो Wow. Yay. झरने सुहाने हैं बारिश के मौसम में बस एक और झरना है दो झरने पर क्रॉस करने पड़ते हैं तब मार्केट आता है ये हम लोग वापस घर पे आ गए अभी हम जिन भैया के घर में रुके हुए हैं ये दीदी घास लाने के लिए जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ में जा रही हूँ बहुत मुश्किल है पहाड़ों में चलना तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये घास इस टोकरी में कैसे काट के भर के लाएंगे और मैं भी पहली बार ही देखने वाली हूँ वो नहीं होती जो आपको लगी हुई थी हाँ 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 वो घास जो चुभ रही है हाँ एक ये लग गई हाँ ये भी हमारा खेत है अच्छा ये भी आपका ही है ये ऊपर भी हमारा है वो जो घर के आगे है वो भी आपका ही है हाँ जी घर के आगे वो भी हमारा ही है ये रखा मैंने थोड़ा सा अच्छा करेरी अच्छा ये करेरी विलेज है पूरा करेरी विलेज ही ये सारा करेरी विलेज
देखो उधर लोग भी लेके जा रहे हैं, सारे काट रहे हैं। हाँ वो भी खेतों में काट रहे हैं ना। हाँ, दोस्तों यहाँ पे सब सुबह सुबह चारा ऐसे टोकरियों में भर के काट के लेके जा रहे हैं घर में, हमारे गांव वालों की। अच्छा ये आगे गांव वालों की। हाँ। ये यहाँ तक आपकी है। ये बीच बीच में क्या है? कहाँ? ये छोड़ रहे हो ना आप? ये मक्की है। अच्छा मक्की को छोड़ रहे हो, बीच में घास है उसको। हाँ, काट इसको काट रहे हैं क्योंकि मक्की को काट लेंगे तो फिर आगे क्या खाएं। हाँ सही है, ये घास भी बहुत है ना मक्की के बीच बीच में। वो ही ना, यही काट के वो गाय को डालेंगे। ऐसे होता है कि बीच बीच में से ये घास काटने से मक्की अच्छी हो? हाँ जी अच्छी हो जाती है, ऐसे गिर जाती है खराब हो जाती है। अच्छा ये घास काट लेते हैं तो अच्छी होती है? हाँ जी घास काट के अच्छी हो जाती है, ये गिरेगी नहीं, अच्छी निकलेगी। अच्छी निकलेगी। चलिए ये अभी टोकरी आपने पूरी भर ली? भर ली। अब इसको लगा के जाओगे? अब इसको लगाऊंगी। हमने भी ऐसे पहले फोटुओं में देखी थी। अच्छा। आज ऐसे आपको रियल में देख रहे हैं। हाँ लो मैं पकड़ लेती हूँ। ये लकड़ी की बनाई है। अच्छा ये पूरी लकड़ी की बनाई है? हाँ, लकड़ी की बनाई है ये। वो एक दिन हमने देखी थी बनाते हुए। अच्छा। इनका खेत है वो थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ से ये घास है ऐसे टोकरी में भर के और एक चक्कर पहले लेके गई है, ये अभी इनका दूसरा है। कितनी गाय है दीदी? दो। दो गाय? हाँ जी, एक बैल है वो उधर डल में छोड़ा हुआ। अच्छा। हाँ। तो इनको आप चुगा चुगने के लिए इन्हें छोड़ते? छोड़ना है अभी, छोड़ना है 11 बजे। अच्छा मतलब बारिश नहीं है तो आज छोड़ दोगे आप? हाँ जी, कल नहीं छोड़ी थी आज छोड़ना पड़ेगी कि आज बारिश। अच्छा। नहीं है। हाँ छोड़ेंगे। तो कल बारिश थी तो आप ऐसे इलाके डाला था? हाँ जी। अच्छा बारिश में ही गए थे? हाँ जी बारिश में ऐसे काट के लाए थे और ऐसे डाला 3 टाइम। अच्छा दिन में 3 टाइम डालते? हाँ हो जी, सुबह दोपहर को शाम को। और आपके गाय दूध भी देती है? हाँ जी देती है। अच्छा ये रास्ता ऐसे ही है कुछ। दोस्तों हम तो कल ट्रैकिंग करके आए थे तब ऐसे ऐसे पहाड़ों से निकले, बहुत मुश्किल लग रहा था। इनकी लाइफ में तो ऐसे रोज रोज होता है, इन्हीं रास्तों से जाते हैं इन्हीं से वापस आते हैं। अच्छा ये गाय है आपकी? एक सोना एक मोना। अच्छा सोना मोना नाम है इनका। तो फिर आप चारा ऊपर लेके जाओगे? हाँ जी। अब नहीं डालना है इनको, अभी छोड़ना है। अच्छा अभी रखना है, एक बार डाल दिया? हाँ, सुबह डाल दिया, अभी इनको जंगल में छोड़ना इसको। अच्छा रात में बांधते होगे? हाँ जी, ये गोबर सुबह फेंका। अच्छा आपके यहाँ गोबर निकालना भी बहुत मुश्किल होता है? सुबह फेंका सारा,
अच्छा फिर वापिस वो पत्ते डालोगे? हाँ जी ये डालेंगे, ये लकड़ियाँ चूल्हे में डाल। अच्छा ये चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियाँ रखी? हाँ जी। चलो दीदी थैंक यू, वेलकम। ये घर है जहाँ पे हम इनके घर में रुके हैं, और इधर हमने कपड़े सुखा रखे, हमारे जितने भी कपड़े थे साथ में लाए थे वो भी भीग गए थे एकदम पूरी तरह। ये इधर किचन है, किचन अलग से है और घर पूरा ऐसे अलग से है। ये किचन है आपका पुराने टाइम का? पुराने टाइम का किचन है ये हमारा। ये इसके अंदर थोड़ा अंधेरा है तो अभी एकदम क्लियर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं बैठ के दिखाती हूँ, ऐसे पूरी इसकी छत है। अच्छा इसके बीच बीच में आपने ये टोकरियाँ भी रख रखी है? यहाँ से व्यू दिखाते हैं कितना अच्छा दिखता है, ऐसा है बाहर का व्यू। अच्छा जी, इसके अंदर पहले गोबर मिला के लगाया फिर ऊपर व्हाइट मिट्टी लगाई है। ये ऐसे ये लाल मिट्टी हमारी। अच्छा ये लाल है जो बाहर लगा रखी है, ये गोबर के साथ में लगाई है? हाँ जी ये गोबर के साथ लगाई। अच्छा ये कांच लगाया है रोशनी आने के लिए? हाँ जी रोशनी आने के लिए। अच्छा ये यहाँ पे कांच लगा है, इससे बाहर से अपने आप रोशनी आ जाती है, इसके अंदर लाइट की जरूरत ही नहीं है। यार बारिश तो फिर आ गई। ये है यहाँ की हिमाचल की कांगड़ा की लोकल, मतलब यहाँ पे जो दुल्हन होती है वो ऐसे पहनती है, रेगुलर में तो सूट पहनती है। क्या बोलते हैं नाचनी? नुआचड़ी। इस ड्रेस को नाचड़ी बोलते हैं? नुआचड़ी कल्चर ड्रेस है। नुआचड़ी में चल नाच के बता। नुआचड़ी इसको डोरा बोलते हैं। अच्छा इसको बोलते हैं। इतनी रस्सियां क्यों बांधी है यहाँ पे? ये है इनका मतलब पहले का कल्चर है ये। अच्छा ये बहुत बड़ी रस्सी किस चीज की बनी हुई है? ये बैठ के उनकी बनी है। अच्छा शायद सर्दी ना लगे इसलिए भी हो सकता है। नहीं ये खुली है इससे नहीं बांधे ना, इससे बांध के। अच्छा खुली होती बटन बटन थोड़ी होती है। अच्छा इससे बांधा है इसको? अच्छा इसीलिए मैं देखा था यहां पे भी एक कुछ लगा है। चक इसको दे चक। ये आपके कांगड़ा की प्रसिद्ध है कल्चर है ना, गद्दी कल्चर है। गद्दी कल्चर उसका कल्चर ड्रेस है। अच्छा जैसे आपके शादियां होती है तो ये ड्रेस पहनते हैं? अच्छा दुल्हन ये ड्रेस पहनती है। दुल्हन ये ड्रेस पहनती है और दूल्हा ऐसी टोपी लगाता है? दूल्हे के भी इस टाइप की ड्रेस होती है। दूल्हे की भी इस टाइप की होती है, कल जो फोटो में देखी लगभग ऐसी होती है। हाँ ऐसी ही होती है। ये होता है ये दूल्हे की दूल्हे का ड्रेस। ये तो रुपए वाली माला है, ऊपर साफा दिखाना, ज़ूम करना इसको। साफा थोड़ा लंबा लंबा है ऊपर। सेहरा बोलते हैं इसको? सेहरा सेहरा बोलते हैं। ड्रेस अच्छी लग गई? यहाँ की देखनी थी कैसी है कल्चर, लाए तब से सूट ही सूट देख रहे हैं, अभी पता चला है कि ये दोस्तों कल्चर जो आजकल ढूंढना पड़ता है क्योंकि नई जनरेशन रेगुलर नहीं पहनती है। पहले आपकी दादी माँ वगैरह रेगुलर पहनते थे कैसी ड्रेस? जो इसको ड्रेस है ये तो डेली पहनती है। डेली आपकी दादी माँ? आजकल क्या है कि सूट ज्यादा चल गए, सूट और मॉडर्न मॉडर्न ड्रेस ज्यादा चल गई है, तो इसलिए कल्चर जो है ऐसे। और शादी वगैरह